अब हम बात करेंगे वोकेशन ऑफ मैरिज के बारे में, शादी के बारे में। किसके बारे में है ना, अधिकतर लोगों ने बोला शादी, बाकी कुछ लोग तो शर्मा रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। अब शादी तो सभी के लिए है ना, शादी तो सभी के लिए है, लेकिन ये कितनी बार ले सकते हैं संस्कार? कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। एक तो हो गई यार, अब क्या करूं, एक और कर लेता हूं। देखो भैया, शादी तो एक ही अच्छी है। अब कैसे पता चले कि आपको शादी? अक्सर जब भी मैं किसी से पूछता हूं ना, कई लोग ऐसे मना कर देते हैं, ज्यादातर लड़कियां मना करती है, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। अरे शादी नहीं करेगी तो किसके लिए बैठी है? तुम तो शादी करने वाले हो ना, ये बोल रहा है। यस, अच्छी बात है, ऐसा क्लैरिटी रखो दिमाग में, शादी करनी तो करनी है, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है, लेकिन कब करनी है, कैसे होगा, हमारे मन में क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्या डर है, चिंता है, सारी चीजों का सिस्टम आपको समझना पड़ेगा ना। देखो भाई, आजकल जो जमाना चल रहा है ना, आजकल का जो समय है भाई, मैं बता रहा हूं, बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों की शादियां, अब हो नहीं रही हैं। आपके पैरिश में, आपके परिवार में देख लो, इतने सारे जवान लड़के लड़की हैं जिनकी उम्र 28, 30, 35, 40 भी हो गई है, आज तक बैठे हैं कि नहीं बैठे, बताओ ईमानदारी से बोलो। तो तुम भी उसी एज में जाना चाहते हो? आप भी उसी एज का इंतजार कर रहे हो क्या? इसीलिए यदि अगर अभी आप में से कोई, मेरे हिसाब से 25 का है या होने वाला है या हो जाएगा, 24-25 का जो भी है लड़का लड़की, तो समझ लो भाई तुम्हें बहुत जल्दी करनी है शादी का, ऐसा समझो कि कल ही कर लो, इतनी जल्दी ऐसा समझो कि बस कल ही हो जाए मेरी शादी, मतलब आपकी गाड़ी लेट चल रही है, लेट। अगर तुम इंतजार कर रहे हो कि पहले ये कर लूं, फिर वो कर लूं, फिर ऐसा कर लूंगा, फिर नौकरी लग जाएगी और फिर अपना घर वर बना लेंगे, फिर कर लेंगे शादी, तब तक उम्र आ जाती है बेटा 38 तब तक उम्र आ जाती है 38, ठीक है, 36-38 के हो जाओगे, फिर जब आप ढूंढते हो, जब आप 36-38 के हो जाते हैं, अगर आप थोड़े से ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं, तो कुछ हद तक उम्मीद है, नहीं है तो फिर आप ऐसे हो जाते हैं, बाल कम तो धागे, पैर ऐसे, फिर ढूंढते जय जेसु जय जेसु, फिर आपको कौन मिलेगी और कौन मिलेगा, और मिलेगी तो फिर तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी और ना तुमको लड़का मिलने वाला है, फिर तुमको लड़की नहीं मिलेगी और ना ही तुमको लड़का मिलेगा, फिर तुम यही कहते रह जाओगे जय जेसु और बेटा कैसे हो रहे एकासे, बस फिर यही पूछते रह जाओगे। अगर सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया, सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया, आप सोच, देखो मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता कि लाइफ में सेटल होना जरूरी है, पढ़ लिख जाओ, नौकरी करो, ये अच्छी बात है, लेकिन अब जमाना थोड़ा बदल रहा है, हमको समझना पड़ेगा, लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई है कि नहीं, ये सच है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, लड़के कम पढ़ते हैं, है कि नहीं, लड़कियां अच्छे मार्क्स लाती हैं, लड़के के मार्क्स कम आते हैं, लड़कियों अच्छा पढ़ती हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी नौकरी भी लग जाती है कि नहीं, लड़के फिर रह जाते हैं, इसीलिए क्या बोलता है उनके माँ बाप, तेरी देख, उसे देख, उसे देख, कहां पहुंच गई, तू कहां है, क्या बोलता लड़का, मैं उसे ही तो देखता था भाई, उसे देखते देखते तू तो पीछे रह गया और वो आगे निकल गई, और अब तुम बैठे हो के मुझसे शादी करोगी, और वो बोलती है अरे ना रे ना रे ना, भाई वो भी तो अपने लेवल का देखेगी ना, am I right or wrong, भाई जो जिस लेवल का है वो अपने लेवल का ही देखता है ज्यादातर, 99% ऐसा ही होता है भाई, अगर वो ऊंचा पहुंच गई लड़की तो वो कोई ऊंचाई देखेगी कि भाई अच्छी नौकरी हो, अच्छा पैसा हो, मेरे बराबर पढ़ा लिखा हो कम से कम, या तो फिर तुम्हारे को लव मैरिज हो, है ना, लेकिन लव मैरिज भी आजकल धोखा है भाई, कॉलेज से साथ चलते ग्रेजुएशन थे, फिर वो MBA करने चली जाती है और तुम बोलते हो कि मैं भी एक डिप्लोमा कर लेता हूँ लैंग्वेज का, जर्मनी स्पेनिश को सीख लेता हूँ तो बढ़िया MNC में जाऊंगा, हाँ बोल के तुमसे वो कवर होता है नहीं ढंग से, लड़की MBA करके पहुंच जाती है MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, और तुम वहीं पे करते रह जाते हो लैंग्वेज का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद, और वो किसी अच्छी पोस्ट पे चली जाती है तो वहां उसको मिल जाता है कोई और आप रह जाते वहीं कॉपी पेन पकड़ते। अगर आपकी किस्मत है
आपकी दोस्ती पक्की है तो भाई हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर तो ऐसा मुश्किल लगता है आजकल। हजार में से कुछ दो चार ही केस होते हैं ऐसे, हजार में से, है कि नहीं? तो आप जिस उम्र में आप लोग बैठे हो, ऐसा लगता है मुझे कि तुम्हारी शादी कल ही हो जानी चाहिए, लेकिन वो कल तो होगी नहीं, है ना? क्योंकि कुछ लोग नौवीं दसवीं वाले भी हैं और फादर जी कह रहे हैं मैं कैसे करूंगा। आपके लिए नहीं है ये बात, जिनके लिए है वो समझ जाओ, ठीक। जिनके लिए ये बात है वो समझ जाओ। अब देखिए, आपके मन में शादी का विचार आता है, तब आपको कैसे पता चलेगा कि यही है मेरे सपनों का राजकुमार, यही है मेरे सपनों की राजकुमारी। कुछ लोग तो रात को भी चश्मा लगा के सोते हैं कि मुझे ढंग से दिखती नहीं है वो। मैं चश्मा लगाऊं, आज सपने में आएगी तो पता चलेगा कौन है ये, क्योंकि धुंधला सा लगता है ना? गाना है ना वो, कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। अब वो तो तुम्हें मिलता नहीं भाई, वो तो मिल नहीं रहा, तो लोग नींदों में भी चश्मा लगा रहे, सपने में तो आए। तो भैया ख्यालों पुलाव से, ख्यालों के पुलाव से बाहर निकलो भाई। आपको सही निर्णय करना होगा, सही समय पे सही पार्टनर देखो, आप बात करो, मिलो, आपको जमता है शादी करो, उम्र निकल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे कई सारे लोग हो गए। अभी पिछले महीने ने, मेरे ख्याल से एक डेढ़ महीना हो रहा, हमने रांची में ऐसे लोगों के लिए एक प्रोग्राम रखा था जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी शादी नहीं हो रही, उम्र हो गई है, ऐसे लोगों के लिए हमने विशेष प्रोग्राम रखा था 3 दिन का। उसमें उनको शादी के बारे में ही समझाया और उनके जीवन में सैक्रमेंट ऑफ मैरिज रिसीव करने के लिए क्या बंधन है, पवित्र आत्मा के साथ मिलके वो तोड़े। चंगाई प्रार्थना, इनर हीलिंग प्रार्थना, डिलीवरेंस प्रेयर और चर्च की शिक्षा क्या है शादी के बारे में, कलीसिया क्या बोलती है शादी के बारे में, और आपका इंडिविजुअल का वोकेशन क्या है, ये अगर सही समय से आदमी सीख जाए, सही समय पर उसको समझ में आ जाए तो बात बन सकती है। नहीं है तो सोचते रहते हैं दबे दबे। लड़कियां बेचारी कुछ कर नहीं पाती, कह नहीं पाती, परिवार के डर से, समाज के डर से। और लड़कों के ज्यादा पंख निकले, वो तो बोलते हैं पंख मेरे टूटे फिर भी मैं तो ऊंचाई जाऊंगा। तो ये कड़वी सच्चाई है समाज की, है कि नहीं? तो आपको सही समय पे सही एक्शन लेना होगा। अब देखिए, उदाहरण के लिए मैंने अपनी शादी का कैसे डिसर्नमेंट किया, तो मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं। सबके जीवन में अलग तरीका हो सकता है, सबकी सिचुएशन अलग है। मैं अपनी शादी की बात बता रहा हूं। जब मैं क्या कर रहा था, मैं तो प्रभु को काम ही करता था, समझिए बात को, मैं तो प्रभु काम ही करता था। ट्रेनिंग दे दिया, रिट्रीट दे दी, यही सब कर दिया, पैसा कुछ मिलता नहीं था, लेकिन मैंने प्रभु को काम करना छोड़ा नहीं। या प्रभु जब तेरी इच्छा होगी हो जाएगी शादी। अब मैं इतनी जगह जाता था, अभी भी जाता हूँ, इतने सारे लोग मुझे जानते थे, अभी भी जानते हैं। तो मेरे से कई सारे फादर से लोग बोलते थे आप ना पुरोहित बन जाइए, हमारे कॉन्ग्रीगेशन में आ जाओ, हमारे डायसेस ज्वाइन करो। और कई फादर सिस्टर ये लोग बोलते थे हमारे कॉन्वेंट में एक लड़की है, हमारे स्कूल में टीचर है। और मेरे जो यार दोस्तों बोलते थे अबे इतनी सारी जगह तो दूर दूर जाता तेरे को लड़की नहीं दिखती। अरे भाई जाता तो हूं मैं, लड़की देखने थोड़ी जाता हूं। यदि मैं आज यहाँ के मैं भाषण दे रहा हूँ, प्रभु का सुसमर्था सुना रहा हूँ, यदि मैं अनमेरिड होता और मैं तुम्हें या तुम्हें किसी को देखता तो तुम्हें कैसा लगता? ऑफकोर्स तुम्हें अच्छा तो लगता, लेकिन मैं तो इस लायक नहीं हूं ना। पहली लुक में तो अच्छा ही लगता सब कुछ। तो मैंने प्रभु से बोला यार भाई देखो मैं तो समझ नहीं पा रहा, लेकिन मेरे को तो वोकेशन क्लियर है, मुझे तो शादी करनी है। एक अमूल्य मैगजीन थी, अमूल्य मैगजीन, उसका सर्कुलेशन मैनेजर था मैं उस समय। बस हम प्रेयर कर रहे थे, प्रभु को सेवा कार्य करते जा रहे थे। फिर एक दिन एक कॉल आया, विनोद कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं रांची में हूँ, बिशप हाउस में, बिशप के साथ मीटिंग चल रहा है। अच्छा दिल्ली कब आओगे? एक महीने के बाद। अरे एक महीना, इतना लंबा मीटिंग? नहीं यहाँ से जा रहा हूँ उड़ीसा, वहां प्रोग्राम है, फिर उधर प्रोग्राम है, फिर उधर प्रोग्राम है, फिर उधर से मीटिंग करके फिर दिल्ली आऊंगा। अच्छा चलो जब भी आओगे मुझे फोन करना। एक दीदी ने फोन किया दिल्ली से, तो इतना सब घूम रहे हो कैसे हो रहा है ये, क्या कर रहे हो? मतलब ये कर रहा हूँ। अच्छा कितनी तनख्वाह मिलती है, कहाँ तुम्हारा घर कहाँ है? तो मेरे कान खड़े हो गए, इतने सवाल, तनख्वाह, घर, कहाँ रहते हो, कौन कौन है घर में? मैंने कहा है ये कैसी बात है, जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे तो आपके मन में क्या लगता है? लगता है ना तेरी तो हो गई शादी? नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ज्यादा खुश हो रहा है। तो हम भी दिल्ली आ गए, लोगों ने बोला बात तो करो यार, बात तो करो। दोस्तों को बोला यार वो फोन आया था उन दीदी का, अरे बात करो यार, ऐसे कैसे चलेगा, बात करो। अरे मैंने कहा मेरे को डर लग रहा, मैं नहीं बात करता। मैं हजारों लोगों के सामने भाषण दे सकता हूँ, कई हजारों को मैंने अब तक सुसमाचार दिया, रिट्रीट दिया, ट्रेनिंग दिया है, 15-25 हजार लोगों की भीड़ के सामने बोलने से मुझे डर नहीं लगता। जब मैं वहां पहली बार उन दीदी से बात कर रहा शादी के मामले, मेरे दिल ऐसा हो रहा है। और उन्होंने हमारी मीटिंग फिक्स करा दी लड़की के साथ, लड़की के साथ हमारी शादी की मीटिंग फिक्स करा दी।
चलो तो एक बार देख लो दोनों को, फिर देख लेंगे जैसे क्या होता, कोई बात नहीं तुम। अरे अच्छा भैया, हम चले गए। अब यहीं पे देखिए प्रभु की योजना क्या है। अब मैं अकेला कैसे जाऊं? मैंने एक दोस्त को पूछा, चल ठीक है तेरे साथ चलूंगा मैं। हमने डन किया, मैं नहा धो के दाढ़ी वाड़ी बना के बढ़िया कपड़े पहन के पहुंच गया। उस बंदे ने भैया अपना गैरेज खोला और नई लाल रंग की कार, इसमें चलेंगे हम लोग। मैंने कहा है, आप समझिए देखिए प्रभु कैसे काम करता है। मैं पहली बार लड़की को मिलने जा रहा हूं, नई कार का इंतजाम किया है प्रभु ने और मुझे पता ही नहीं था। हम नई कार में गए और वहां गए तो वहां पे 5-6 लड़कियां, एक फादर लड़की की तरफ से पहले से ही वहां पे बैठे। आइए आइए, जयसु, चलिए वहां जाते। यहां भी गए, कमरे में बैठे, मिले, बात की। अब वो बैठी है वहां, मैं बैठा हूं यहां, और हम नीचे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे। वो वहां बैठी कुर्सी पे, मैं यहां बैठा, तो मैं फिर भी थोड़ा बात कर रहा हूं, देख रहा हूं। वो नहीं बोल रही, देख रही है। मुझे लगा चद्दर के फूल गिन रही है कहीं, बेड पे चद्दर बिछी है। तो ऐसे करके पहली मुलाकात ऐसे हो गई। हमने बोल दिया साफ साफ, भैया हमारे आगे पीछे कोई नहीं, ना मेरी जेब में पैसे, ना मेरी तनख्वाह इतनी, मेरी शर्त सिर्फ इतनी है प्रभु से जो मैं प्रेयर करता था, ठीक, कि भैया लड़की तैयार होनी चाहिए, लड़की के माँ बाप तैयार होने चाहिए, जैसे मेरी कंडीशन है मेरे को वो वैसे स्वीकार करनी चाहिए। ये सब करवाने के लिए पैसा भी लगता है, पैसा भी होना चाहिए, और मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, ये शादी करवाएगा कौन? 5 आदमी होंगे तभी तो शादी होगी, या मैं अकेले ही कपड़े खरीद के पहुंच जाऊं सीधा ही, आओ भैया करें शादी, ऐसा तो होता नहीं। तो मैं ऐसे प्रेयर करता था। देखो मैं कहीं नहीं गया, जिंदगी में पहली बार एक बार ऑफर आया शादी का, वही लड़की आज मेरी बीवी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचर है परमानेंट। कहने का मतलब यह है, हम वोकेशन डिसर्नमेंट की बात कर रहे हैं। यदि आप प्रभु के कार्य करते हैं तो जिस भी सेवा कार्य में आप प्रभु के लगे हुए, प्रभु आपको आशीषित करता है, देता है। बाद में मतलब शादी के पहले ही मैंने बाद में और पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, और भी कुछ किया, तो सही समय आने पे सही निर्णय कर लिया। तो आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से अलग है, आपके लिए प्रभु की योजना कुछ और होगी। ये मेरा तरीका था डिसाइड करने का, प्रभु क्या क्या चीजें हो जाए कि मैं मान लूं कि ये ऑफर तेरी तरफ से आया। जब शादी का कभी ऑफर आए कभी मना नहीं करना, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। लड़कियां ज्यादा करती हैं, लड़कियों को बड़ी तकलीफ है, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी शादी, नहीं नहीं नहीं, ये तो अंकल सा दिखता है, अंकल सा दिखता है। अरे तो तुम अपनी उम्र देखो, तुम भी आंटी लगती हो अब, ताली दोनों हाथों से बजती है। आपको शादी लड़के से करनी है क्या अंकल से? और लड़कों को, तुम्हें शादी लड़की से करनी है आंटी से? तो सही समय पर सही निर्णय करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपके पड़ोसी, आपके पैरिश के बच्चे बोलेंगे अंकल आंटी आए हैं, तुम कहोगे हम तो नवविवाहित जोड़े हैं, ऐसा तुम्हें लग रहा है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, बाकी को लगेगा अंकल आंटी आए, है ना। कहां से आए? कोरबा से। कहां से आए? रायपुर डींडरी से। कहां से आए? बिलासपुर से। फिजिकल कोई बीमारी है शादी के पहले, होने वाली पत्नी पति को बताओ, नहीं तो आपने ऐसे किसी गलत बातों में आके शादी कर दी, ऑटोमेटिकली वो कलीसिया के नियम के हिसाब से वो शादी अमान्य है, रद्द है। इसलिए खुल के सच्चाई सामने रखो, बोलो सारी बातें, आपको जमता है शादी हो जाएगी प्रभु की इच्छा से। ज्यादा दुखी नहीं होना। बाजार में सामान लेने जाते हैं मार्केट में ना, 10 दुकानों पर देखते हैं तब एक जगह से लेते हैं, है कि नहीं? अगर आपके 2-4 जगह रिश्ते टूट जाते हैं, नहीं होते हैं, तो दिल छोटा करने की बात नहीं है, जो लिखा आपके जीवन में वो होगा ना, ये नहीं कोई और सही। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं शादी के लिए, ये नहीं कि शादी के पहले तुमने 10 जगह रिश्ते बना लिए। स्कूल में मेरा एक दोस्त था, कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, पैरिश में एक दोस्त था, यहाँ ग्रुप में एक दोस्त है, रायपुर में एक अलग है दोस्त हमारा, ऑफिस में मेरा एक अलग दोस्त है। ये सब बंद शादी के पहले। वोकेशन ऑफ मैरिज में रुकावट आती है इन चीजों से, क्योंकि आपके दिल के टुकड़े आपने 10 जगह बांट रखे। अब आती है एक धारणा आपके दिल मन में बना रखी है आपने कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए या मुझे ऐसे लड़की चाहिए। भाई जो आपके मन में है ना, ये अच्छे से समझ जाओ, वो व्यक्ति वो आदमी दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो फिर आपकी शादी होगी किससे, कैसे? आप सोचते हैं कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ये धारणा आपके मन में है ना, ये छवि आपने बना रखी है आपके मन में। ये समझ जाइए वो दुनिया में कहीं एक्सिस्ट ही नहीं करता ऐसा व्यक्ति। प्रभु ने सबको बनाया है उसने अपनी योजना से, अपने हिसाब से। क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त सहयोगी
बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? उपयुक्त। लेकिन आपके मन में तो पिक्चर कोई और है और प्रभु ने बनाया किसी और को है, तो आपको मिलेगा? कितनी हड्डी निकाली थी आपके लिए पार्टनर बनाने के लिए? एक ना, एक निकाली थी कि बहुत सारी निकाली थी? एक ही निकाली तो तुम्हें पार्टनर एक ही मिलेगा, एक ही है आपके लिए। तुम कई सारे जगह ढूंढते रहे तो कई सारों को पीछे भाग रहे हो। एक हड्डी को ढूंढना है बस, वो सही समय पे आपके सामने आएगी, आपको पहचानना है। अब जैसा भी है, अगर आपका बन जाता सब कुछ तो वो जैसी भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो, प्रभु आशीषित करेगा आपके फैमिली लाइफ को, आपके जीवन को। समझ में आ गया? हमने पहले बात करी पुरोताई वोकेशन के बारे में, फादर सिस्टर होने के बारे में, अब हम बात करें शादी के बारे में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जरूरी है। ये तो सही समय पे तुम्हें सही निर्णय करना चाहिए, लेना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु येसु, अब इस क्षण से अभी अभी के लिए 5 मिनट के लिए आप बोल दीजिए, हे प्रभु येसु मुझे अच्छा पार्टनर दे दे। हे प्रभु येसु, तुम्हें पार्टनर तो चाहिए अब हमें। अब फादर सिस्टर का बात तो निकल गई, वो तो तुम्हें होना नहीं, लेकिन तुम मत बोलो, तुम भी मत बोलो ये बात, ठीक? तुमको तो जाना है ना कॉन्वेंट, तुमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, तुमको भी है बुलावा, ठीक? बाकी लोग बोलो, हे प्रभु येसु। तुम क्यों नहीं बोल रही, ऐसे बैठी एकदम, पार्टनर ये कैसा मुंह बना रही है? इसीलिए नहीं होती कईयों की शादियां, ये अजीब से पोस्टर दिखा के, अजीब सा मुंह बना के, लड़का हो चाहे लड़की हो। क्यों पंकज जी, खुशी से बोलना है, आज नहीं तो कल अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु आपको देगा, चाहिए ना? यस, वेरी गुड। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, हाँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, शर्माना नहीं है इसमें। अब आती है वाली बात, शादी वाली। क्या क्या बताया था मैंने, कैसे डिसन करना, मैंने पॉइंटर्स बता दिए, मैंने अपना एग्जाम्पल भी दिया, फिर बताइए क्या था, कैसे आपको क्या क्या करना है, ना नहीं करना है, वेरी गुड। इसका तो वोकेशन क्लियर ही है, मैंने पहले बता दिया था, सबसे पहले बता दिया था, क्योंकि ये बाइबल के क्लास के समय से बोल रहा है, पिता को छोड़ना, नाव को छोड़ना, मतलब वचन में क्या लिखा है, परिवार को छोड़ेगा उसका घर, नाव मतलब घर, घर छोड़ेगा, पिता मतलब परिवार को छोड़ दिया, नाव मतलब घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ मस्त रहेगा। ये तो लिखा है वचन में, गलत बात नहीं है, सही है वो। और क्या बोला बताओ, सही समय पे सही निर्णय करो तब तो होगा भैया, नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। तो शादी जवानी में हो तो अच्छा है ना, शादी जवानी में हो सही समय पे तो अच्छा है, क्यों? हाँ और क्या बता, और क्या बोला, जल्दी बताइए। हाँ इधर इधर मेरे पास आ, हाँ ये कुछ अच्छा लड़का है मुझे लगता है। क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में, क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ आपके मन में किस बात की क्लैरिटी है दोनों में से? अरे दोनों के बीच, लड़के लड़की के बीच में भाई। अच्छा नहीं, आपके मन में क्या क्लैरिटी है, शादी को लेके या पुरोहित को लेके? दोनों में श्योर नहीं हूँ मैं। दोनों में श्योर नहीं हूँ? हाँ कोई बात नहीं, प्रार्थना करो, हो जाएगा। यहीं बैठ तू, इधर ही बैठ। तो क्लैरिटी होनी चाहिए बोल रहा है ये, सही बोल रहा है। आपको वोकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, आप कंफ्यूजन में ही कंफ्यूजन में उम्र बिता देते हो, फिर बोलते हो नहीं रही हमारी शादी, फिर कैसे होगा? और खुद तुम ना ना करते रहोगे तो होगी नहीं भाई। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो बोलो, प्रभु तेरी इच्छा नहीं है, तो वो अपने आप ही हट जाएगा किसी वजह से। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, जब मेरे पास पहली बार ऑफर आया मैंने मना नहीं किया, डरते डरते मैं गया और हो गया, मना कर देता तो होता फिर ये सब? और क्या बताया था मैंने, बताइए फिर। हाँ सपना, अच्छा, जो एक मन में छवि बना रखी है, मन में छवि बना रखी है, एक धारणा बना रखी है, मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा हो, मेरे सपनों की राजकुमारी ऐसी हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। प्रभु ने लोगों का अपने हिसाब से बनाया, उसने आपके हिसाब से नहीं बनाया, बस ये समझ जाओ। जब प्रभु ने लोगों को बनाया, मनुष्यों को, आपको माता के घर में रचा, तो उसने ये थोड़ी पूछ के रचा था कि ये लड़की उसके लिए सही है, अच्छा वो आएगा कल को ऐसा सपना देखेगा सलील, तो मैं उसके लिए वैसा बना दूं। नहीं, उसने अपने हिसाब से बनाया, सबको सुंदर बनाया, सबको अच्छा बनाया, और जैसा जिसको मनुष्य को बनाया आपको उसे वैसा स्वीकार करना चाहिए। आप उसे मोटा पतला काला गोरा फलाना फलाना बोल के रिजेक्ट करते हो, आप प्रभु की सृष्टि का अपमान करते हो। अगर कोई सुंदरता के कारण, जात पात के कारण, अमीर गरीबी के कारण रिजेक्ट करता कोई किसी लड़का या लड़की को, तो आप प्रभु की सृष्टि का अपमान कर रहे हो, उसे गाली दे रहे हो प्रभु को आप, मोटी है नहीं करता मैं, बेकार। अरे भाई शादी के बाद तो फिर मोटी होना ही है ना, रिजेक्ट करते करते उम्र निकल गई, अब बच्चे कैसे हो,
इसीलिए सही समय पर सही निर्णय नहीं लोगे आगे जाके भारी समस्या बन जाएगी जीवन में, जिसका समाधान होना बड़ा मुश्किल है। तो और भी बहुत सी बातें हैं, आप समझदार हैं, बहुत कुछ हमने इसमें प्रकाश डाल दिया है, आपको क्लैरिटी आ गई होगी। जब आप उस सही मुकाम पे पहुंचे तो जल्दी एक्शन लेना अच्छा है। देखो, अगर आपको लगता है कि लड़का 50% है, लड़की 50% है, तो दोनों 50-50 मिलके क्या बनते हैं? 100%। और हमें चाहिए क्या? अरे हमें 100% ही तो मांगते हम, तो दोनों मिल जाए। ऐसा ना हो कि एक स्कूटी का टायर है, एक ट्रैक्टर का टायर है, एक स्कूटी का टायर है और एक ट्रैक्टर का टायर है, तो कैसे होगा? तो ऐसा नहीं देखना है, कमियां घटियां सब में होती हैं। आप सही समय पर सही निर्णय करो। हे प्रभु येसु, मुझे एक अच्छा पार्टनर दे दे। समझ में आ गया? हे प्रभु येसु,